दोस्तों नमस्कार, मैं केसी बेरवा, आरसी खेतान पॉलिटिकल कॉलेज जयपुर से। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो थर्मल इंजीनियरिंग सेकेंड ME 303 और टॉपिक होगा कूलिंग टावर्स एंड एयर पंप्स। दोस्तों इससे पहले अपन कंडेंसर पढ़े थे और कंडेंसर में अपन जो कूलिंग वाटर काम में लेते हैं वो कूलिंग वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है जिससे उसकी इफेक्टिवनेस कंडेंसर की इफेक्टिवनेस कम होती चली जाती है। अतः उस कूलिंग वाटर को अपन को ठंडा करना जरूरी होता है और जिस डिवाइस में उसको ठंडा करते हैं वो स्प्रे पॉन्ड या कूलिंग टावर होते हैं। लेकिन स्प्रे पॉन्ड के लिए क्या होता है कि ज़्यादा जगह की जरूरत होती है और जहाँ जगह एक्सपेंसिव होती है, कॉस्टली होती है लैंड, वहाँ अपन क्या करते हैं कूलिंग टावर काम में लेते हैं। तो कूलिंग टावर भी अगेन कूलिंग का काम करता है, वाटर कूलिंग का काम करता है और ये एक ऐसे आर्टिफिशियल डिवाइस है जो हॉट कूलिंग वाटर है उस जो कंडेंसर से आता है उसको इफेक्टली कूल करता है। ये एक सेमी क्लोज टाइप की डिवाइस है जो आइदर था कंक्रीट या स्टील स्ट्रक्चर की बनी होती है और इसमें बफर्स लगे होते हैं जो उसके जो वाटर है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। साथ ही इसमें हॉट वाटर जो ऊपर से आपका एंटर करता है और रेडियली स्प्रे करते हैं, लेकिन जो एयर है वो आपके पास में बॉटम से एंटर करती है और इसमें पार्शली ऑपरेशन होता है वाटर का और जो आपका टेम्परेचर रिड्यूस करता है वाटर का। सो एयर जो है, एयर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो ड्राइवर टेम्परेचर होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर अपन इसमें रिड्यूस कर सकते हैं वो जो एयर है उसका वेट वर्ल्ड टेम्परेचर तक अपन इसको रिड्यूस कर सकते हैं। इस वाटर को नीचे पॉन्ड में कलेक्ट कर लिया जाता है और वहाँ से अगेन ये वाटर पंपिंग कर दिया जाता है टू कंडेंसर को। अब देखिए, वाटर ऑपरेट होता है तो उस वाटर को एलिमिनेट करने के लिए आपके पास में ड्राफ्ट एलिमिनेटर लगे होते हैं टॉप पे जो वाटर को एस्केपिंग होने से बचाते हैं। सर्कुलेशन के आधार पर अपन कूलिंग टावर्स तीन तरह से क्लासिफाई किए होते हैं। एक नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स होते हैं, दूसरा मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है। उस मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में भी आपके पास में फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है और इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर होते हैं। ये देखिए, आपके पास में नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है। इस कूलिंग टावर में आपके पास में होता क्या है कि इसमें देखिए फिगर में, ये वाटर जो है आपके पास में टॉप साइड से स्प्रे नोजल के थ्रू स्प्रे किया जाता है टॉप से। यहाँ से ये जो है आपके पास में एक्सचेंज सरफेस है जहाँ पर इसका वेटेड एरिया बढ़ा दिया जाता है और वाटर को अगेन ऑटोमाइज किया जाता है ताकि एयर के साथ मिक्स हो सके। यहाँ से ये बॉटम से एयर एंटर करती है और एयर एंटर होने के साथ साथ में इसमें क्रॉस फ्लो होता है एयर का तक, और उस कंडीशन में आपके पास में यहाँ पर ये वाटर ऑपरेट होता है और ऑपरेट होने के कारण इस वाटर का टेम्परेचर रिड्यूस होता है और ये टेम्परेचर रिड्यूस होने के कारण कूल होता है और कूल होने के साथ साथ ये नीचे की बॉटम की तरफ चला जाता है इस बेसिन में जहाँ ये कलेक्ट हो जाता है और इस कलेक्ट होने के साथ साथ इस वाटर को आपके पास कंडेंसर पर सप्लाई किया जाता है। ये जो ड्राफ्ट है आपके पास में नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है जो जनरली स्मॉल कैपेसिटी के लिए काम में लिया जाता है। अब देखिए, आप इसमें एयर का फ्लो क्यों होगा, अब देखिए इसकी सेप जो आपको दिखाई दे रही है वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट जैसी सेप दिखाई दे रही है और जैसे ही आपके पास में ये हॉट एयर हॉट वाटर है और ये एयर है तो यहाँ से एयर क्या करेगी, हाई टेम्परेचर होने के कारण ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है और लिफ्ट होने के साथ साथ यहाँ पर एक हाई वेलोसिटी से एयर फ्लो होती है जिसके कारण यहाँ एक लो प्रेशर क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है जिसके कारण ऑटोमेटिकली आपके पास में एयर का फ्लो फ्लो में डाउन साइड से अपवर्ड साइड में फ्लो हो जाता है और ये सिस्टम अपना काम करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी कूलिंग कैपेसिटी लिमिटेड क्यों होती है कि आपके पास में ये एयर का जो सर्कुलेशन है वो लिमिटेड होता है, इस वजह से इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो भी लिमिटेड होती है। इस वजह से जनरली इस जो ड्राफ्ट जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है उसको छोटे जो पावर प्लांट होते हैं, स्मॉल कैपेसिटी पावर प्लांट होते हैं जिसमें जैसे डीजल पावर प्लांट है, इनमें इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो कूलिंग टावर है आपका है फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। इस ड्राफ्ट कूलिंग टावर में क्या होता है कि जो पहला नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है उसमें एयर का सर्कुलेशन लिमिटेड होने के कारण उसकी कूलिंग कैपेसिटी लिमिटेड थी, लेकिन अपन क्या करते हैं कि इस टाइप के जो कूलिंग टावर्स होते हैं उनमें आर्टिफिशियली मैकेनिकल वे से या मैकेनिकल वे से अपने क्या करते हैं एयर का सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं। अब एयर का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए अपने पास में दो विकल्प होते हैं, आइदर द प्रेशर जो है बॉटम में हाई किया जाए और या टॉप पे लो किया जाए। तो अपन बॉटम में हाई प्रेशर करने के लिए क्या करते हैं, फैन इंस्टॉल कर देते हैं इसके बॉटम में जो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट करता है और उस हाई प्रेशर क्रिएट करने के लिए करने के साथ साथ ही आपके पास में एयर का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। इस फिगर में दिखाई दे रहा है, देखिए ये आपके पास में एक फैन लगा हुआ है, बॉटम में लगा हुआ है, यहाँ से ये फैन जो है यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट करेगा और हाई प्रेशर क्रिएट करने के साथ साथ आपके पास में एयर का जो सर्कुलेशन है वो आपका बढ़ जाएगा। ऊपर से
अगेन आपके पास में वाटर जो है नोजल से स्प्रे किया जाता है, और अगेन ही आपके पास में फिल जो है जो फिल्स लगे होते हैं जो अगेन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका बढ़ाते हैं। यहाँ पर एक ड्राफ्ट एलिमेंट लगा होता है, ये वाटर को एयर के साथ स्केप होने के से बचाता है। अगेन आपके पास में ये कूलिंग वाटर है कलेक्ट, यहाँ कलेक्ट हो जाता है और अगेन इसको आपके पास में कंडेंसर को सप्लाई कर दिया जाता है। ये जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा जो कूलिंग टावर है वो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर है, जिसमें मैंने पहले बताया था कि आपके पास में इस टाइप के कूलिंग टावर में इसके टॉप पे जो है इसके टॉप जो है उस पर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, और यहाँ पर कंप्रेसर होने के कारण अगेन आपके पास में बॉटम से ऊपर की तरफ टॉप की तरफ एयर का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और इस एयर के सर्कुलेशन बढ़ने के साथ साथ इसकी कूलिंग कैपेसिटी भी आपकी बढ़ जाती है। जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, देखिए आपके पास में यहाँ पर टॉप पर एक फैन लगा हुआ है जिसको जो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करता है, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट करता है, और एयर का सर अगेन आपके पास में एयर बॉटम से एंटर करती है, और एयर से बॉटम से एंटर करने के साथ साथ इसकी जैसे ही आपके पास में इसकी स्पीड बढ़ेगी, यहाँ पर इस फैन की स्पीड होगी, आपके पास में यहाँ से फ्लो सर्कुलेशन फ्लो है एयर का वो बढ़ जाएगा, और उसके आधार पर इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगेन इसमें जो हॉट वाटर है वो टॉप से नोजल के थ्रू स्प्रे किया हुआ है, और यहाँ पर ये फिल्स लगी हुई होती हैं जो इसका वेटेड एरिया बढ़ा देती हैं और मैक्सिमम एयर इसके साथ में कॉन्टेक्ट में आता है। यहाँ देखिए आपके पास में अगेन यहाँ पर ये मोस्ट एयर यहाँ से बाहर जाती है, अगेन ये जो कूलिंग वाटर है ये जो कूल हुआ है इसको कलेक्शन बेसिन में कलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से अगेन ये कंडेंस को सप्लाई कर दिया जाता है। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ देखिए मोस्ट एयर और वाटर आउट एयर आउट, तो ये एयर क्या करती है अपने साथ कुछ वाटर ले जाती है, तो इसमें वाटर की कुछ कमी हो जाती है, उसको मेकअप पूरा करने के लिए कि वाटर की कमी नहीं रहे उसको एक्स्ट्रा वाटर यहाँ इसको ऐड कर दिया जाता है, ताकि आपके पास में कंडेंसर में जो वाटर की सप्लाई हो वो पूरी वाटर सप्लाई हो। अब हम एयर पंप्स पर आते हैं। तो एयर पंप्स वो मशीन है जो कंडेंसर में एयर रिमूव करके वैक्यूम क्रिएट करते हैं। हम कंडेंसर में वैक्यूम इस वजह से क्रिएट करते हैं ताकि टरबाइन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, उसका आउटपुट बढ़ जाता है। सो इस एयर को रिमूव करने के लिए अपने जो पंप काम में लाते हैं वो एयर पंप्स कहलाते हैं, और एयर पंप टू टाइप्स के होते हैं, एक ड्राई एयर पंप होते हैं और दूसरे वेट टाइप एयर पंप्स होते हैं। ड्राई एयर पंप्स वो पंप्स होते हैं जो सिर्फ कंडेंसर से एयर को रिमूव करते हैं, वो कंडेंसेट को रिमूव नहीं करते हैं, जबकि वेट एयर पंप वो पंप होते हैं जो आपके पास में कंडेंसर में एयर के साथ साथ आपके पास में जो कंडेंसेट हुआ है कूलिंग वाटर उसको भी वहाँ से रिमूव करते हैं, वो वेट एयर पंप कहलाते हैं। अब देखिए वेट एयर पंप को टाइप का जनरली काम में नहीं लेते, क्योंकि जो कंडेंसेट है उसको रिमूव करने के लिए अलग से आपके पास में पंप लगे होते हैं, और एयर को आपको इस वजह से मोस्ट कॉमनली आप जो यूज करते हैं वो ड्राई एयर पंप यूज करते हैं। और ड्राई एयर पंप में हम स्टडी करेंगे एडवर्ड एयर पंप की, जो एक ड्राई टाइप का एयर पंप है। ये आपका एडवर्ड एयर पंप है। अब इस एडवर्ड एयर पंप में देखिए इसमें आपके पास में सिंपल एक लाइनर होता है, और उस लाइनर के अंदर एक पिस्टन होता है, पिस्टन का फेस फ्लैट होता है, लेकिन ये इसका जो हेड है ये कॉनिकल हेड होता है, इस तरह से कॉनिकल हेड है। इस पिस्टन के फ्लैट फेस का आपके पास में एक रिंग होती है, इसमें पोर्ट्स लगे हुए होते हैं। यहाँ से इसके साथ साथ एक डिलीवरी वाल्व है जिसको हेड वाल्व भी अपन बोलते हैं, ये है। यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, वाटर शील्ड रिलीफ वाल्व लगा होता है, इस तरह से इसका ये पार्ट्स दिखाई देता है। अब ये वर्किंग कैसे करता है देखिए, इस वर्किंग में क्या है कि जब भी पिस्टन ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है तो उस कंडीशन में आपके पास में यहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसके कारण एयर आपके पास में यहाँ एंटर कर जाती है जब पिस्टन आपका अपवर्ड साइड में मूवमेंट करता है। जब लेकिन अगेन जब ये प्रेस होता है उस कंडीशन में आपके पास में यहाँ से ये जो एयर है इनके साथ में पोर्ट्स जो आपके पास में जो रिंग में लगे हुए हैं उन पोर्ट्स के माध्यम से एयर इस सेक्शन में एंटर कर जाती है, और जब ये पिस्टन अपर साइड में मूवमेंट करता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर एयर कंप्रेस होती है, और कंप्रेस होने के बाद में जो हेड वाल्व है जिसको रिलीफ वाल्व भी कहते हैं, इस रिलीफ वाल्व से इस पोर्ट्स में आपके पास में ट्रांसफर हो जाती है। कभी कभार यदि इसमें आपके पास में लगातार एयर आ जाती है और उसके साथ वाटर आता है तो वाटर क्या होता है कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होने के बाद में यह कलेक्ट हो जाता है, तो अगेन आपके पास में इसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस कंडीशन में आपके पास में यहाँ वाटर सील्ड रिलीफ वाल्व लगा हुआ है, यदि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वाटर आपके पास में यहाँ से रिलीज हो जाता है। इस तरह से आपके पास में ये एडवर्ड एयर पंप काम करता है। ये देखिए इस तरह सिंपल वर्किंग है इसकी आपके। धन्यवाद।